एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, गिलफोर्ड का सिद्धांत में इन्होंने पांच मुख्य समूह को बताया है। कितना समूह को बताया है? पांच मुख्य समूह को। देखिए, ये पहला समूह है, दूसरा समूह है, तीसरा समूह है, चौथा समूह है, ये पांचवा समूह है। तो गिलफोर्ड ने पांच समूह को बताया है। ये कौन सा समूह है? बुद्धि के बारे में। गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है ये बुद्धि के बारे में है। बुद्धि को इन्होंने पांच भागों में बांटा है, पांच समूह में बांटा है। पांच समूह में पहला है संज्ञान, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है स्मृति, पांचवा है मूल्यांकन। तो हम लोग एक एक करके सभी को देखेंगे। संज्ञान क्या है इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संज्ञान क्या है। संज्ञान देखिए, आप लोग देखे होंगे बहुत सारा खोज, बहुत सारा आविष्कार, होता है। कौन कौन सा खोज? अभी देखिए आप मोबाइल देख रहे हैं, इसका भी किसी ने खोज किया, आविष्कार किया। आपके पास घर में लैंप है, बल्ब है, किसी ने किसी इसको खोजा है। तो जिन लोगों ने खोज या आविष्कार किया है उसके पास संज्ञान वाला बुद्धि था। गिलफोर्ड के अनुसार कौन सा बुद्धि था? संज्ञान वाला बुद्धि था। क्लियर हुआ? संज्ञान वाला बुद्धि था। उसके बाद आता है अभिसारी चिंतन। यहां देखिए अभिसारी चिंतन के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में? अभिसारी चिंतन के बारे में। अभिसारी चिंतन मतलब क्या होता है कि जो तथ्य दिया गया है इसी तथ्य के आधार पर आपको उत्तर देना है, यहां पर कुछ भी नयापन नहीं लाना है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि आपको यदि प्रश्न कर दिया जाए 5 + 5 = कितना होता है, तो आप निश्चित रूप से 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 उत्तर आएगा, जो सभी का आएगा। क्लियर है? ये अपसारी चिंतन हुआ। यहां पर तथ्य के आधार पर हम उत्तर देते हैं, यहां पर सोचने की, तर्क करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है। उसके बाद तीसरा जो है वह है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या है? अपसारी चिंतन है कि जहां पर हम नया सोच सकते हैं, अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक प्रश्न कर दूं बच्चों के लिए कि बताओ कि कौन सी दो संख्या जोड़ने पर 10 होते हैं। अब यहां पर बच्चा सोचेगा कि कौन कौन सा जोड़ेंगे, तो हो सकता है 2 और 8 सोच लिया हो, फिर सोचता है नहीं। यदि किसी ने 2 और 8 का उत्तर दे दिया है, अब बोलेगा दूसरे को कि अब दूसरा तुमको सोचना है, हो सकता है वो 4 और 6 सोच ले। तो यहां पर अलग अलग तरीके से एक ही समस्या के लिए अलग अलग तरीके से सोचना, एक ही समस्या के समाधान के लिए अलग अलग तरीके से सोचने की जहां पर बात आवे उसी को हम अपसारी चिंतन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहेंगे। इसी को
आगमनात्मक चिंतन कहेंगे, इसी को सर्जनात्मक, इसी को सर्जनात्मक चिंतन कहेंगे। तो हमने क्या देखा कि अपसारी चिंतन का ही हम यहां पर चार नाम से जान सकते हैं, क्या क्या, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आगमनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। यहां पर नए तरीके से, अलग अलग तरीके से सोचने का मौका मिलता है, जिससे बच्चे सृजनशील होते हैं। ये अपसारी चिंतन हुआ। अब आगे देखिए स्मृति क्या है। स्मृति मतलब याद रखना, याद रखना। देखिए हम लोग बहुत दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन क्या हमारे दिमाग में हूबहू सब कुछ याद रह जाता है? नहीं याद रहता है। जिसकी स्मृति तेज होती है, मेमोरी पावर तेज होती है, जिसकी मेमोरी पावर तेज होती है, अधिक होती है, उसे बहुत अधिक चीजें एक बार में ही याद हो जाता है। लेकिन जिसकी मेमोरी पावर कमजोर होती है, याददाश्त कमजोर होती है, उसे बहुत कम चीजें याद रहता है। आप देखेंगे कि दो ही बच्चा ले लीजिए, दो बच्चा ले लीजिए, एक राम ले लीजिए, एक श्याम ले लीजिए, आप देखेंगे कि एक बच्चा एक बार ही पढ़ा और उसको एक बार ही सुना और उसको बहुत दिनों तक याद रख लिया, और दूसरा है अभी सुना और अभी तुरंत भूल गया, अभी सुना और अभी तुरंत भूल गया। तो ये स्मृति होता है। स्मृति के बाद होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब, मूल्यांकन मतलब कुछ भी आपने काम किया, जो भी आपने काम किया वो शुद्ध है या नहीं, सही तरीके से आपने किया या नहीं, सही तरीके से किया या नहीं, जो उपयुक्त है या नहीं, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, हर आदमी के लिए उपयुक्त है या नहीं, ये सारी चीजों की जानकारी करना, मापना मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। तो हमने क्या देखा, संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और मूल्यांकन। हमने यहां पर चार चीजों को देखा, ये गिलफोर्ड के सिद्धांत का पांचों बिंदुओं को देखा। संज्ञान जिसमें लोग खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, अभिसारी चिंतन जिसमें हम केवल तथ्य के आधार पर आंसर दे पाते हैं, अपसारी चिंतन जिसमें हम नया तरह से सोचने का अवसर मिलता है, नए नए तरीके से सोच पाते हैं, स्मृति याद रखना, और मूल्यांकन मतलब उसकी मूल्य को आंकना। तो ये गिलफोर्ड का सिद्धांत का पांच तत्व, तो पांच समूह है बुद्धि का। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। एक बात और, यदि आप सीटेट न्यू सिलेबस के अनुसार तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें रीजनिंग जो नया सिलेबस के अनुसार आपको 2021 के दिसंबर और जनवरी में एग्जाम होने वाला है, उसमें रीजनिंग भी दिया हुआ है, अन्य चीज़ें भी दिया हुआ है, यदि आप नए सिलेबस के अनुसार तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ जुड़ करके बहुत ही कम फी में घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, आप जहाँ पर हैं ऑनलाइन तरीके से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। हमसे जुड़ने का तरीका है, आप हमारा ऐप को डाउनलोड करिए, SB एग्जाम, जो पीला कलर का, इसी कलर का दिखाई पड़ेगा, SB एग्जाम को डाउनलोड करिए। फिर डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह मांगेगा, उसे भरिए, और नीचे आपको स्टोर दिखाई पड़ेगा, सबसे नीचे क्या दिखाई पड़ेगा, स्टोर। स्टोर पर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा कोर्सेज जो SB एग्जाम ऐप पर अवेलेबल है सब दिखना शुरू कर देगा। यहाँ आप अपना कोर्स को चुने और फी सबमिट करें, फी जमा करें। जिस तरह से आप लोग फ्लिपकार्ट से, अमेजन से कोई सामान खरीदते हैं, फी जमा, उसका जो मूल्य होता है वो जमा करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी कोर्स का फी जमा करिए और अपना स्टडी प्रारंभ करिए। यदि किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर,
हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जहां पर हम आपको जुड़ने का आसान तरीका बताएंगे और फी की जानकारी बताएंगे। जब कभी ऑफर निकलता है ऑफर की भी जानकारी हम आपको यहां से दे पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।